रियास में जश्न आजादी की तकरीब, पाकिस्तानियों का वतन से इजहार मोहब्बत। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास में पाकिस्तान के 76वें जश्न आजादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक, सफारतखाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसलरी मोहसन सैफुल्ला, सियासी समाजी अदबी शख्सियात समेत बच्चों और खवातीन बड़ी तादाद में शरीक हुई। जश्न आजादी की मुनासबत से सजने वाली तकरीब में गुलकारों ने फोक म्यूजिक के जरिए समा बांधा, वहीं कौमी नगमे गाकर जज्बा हुब्बुल वतनी से शुरका को सरशार किया। जबकि तमाम अफराद ने कौमी परचम लहरा कर पाकिस्तान से अपनी दिली मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर सफीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान है और हम इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए दुआकू हैं। पाकिस्तानी आवाम बासलाहियत कौम है और दियारे गैर में बसने वाले लाखों पाकिस्तानी की माशी तरक्की में अहम करदार अदा कर रहे हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा गया। तकरीब में सैयद वकास खुरम खान, नरजिस मुबशर अनवर, यासिर और दीगर ने भी तकरीब से खताब किया और आखिर में पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटकर वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने का अदा किया। रिपोर्ट कर रहे थे जुबैर खान, बलोच, सऊदी अरब।